दिल्ली में जांच कितनी हो रही है, मिल रही है नहीं मिल रही है राघव जी? क्योंकि गृह मंत्री ने पहल की है और लगातार जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है हम बेड भी दे रहे हैं, हम ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, टीमें बनाई गई हैं, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए छोटा सा रिस्पॉन्स है, अन्य मेहमानों के पास मैं जा भी नहीं पाएंगे जल्दी। देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था आज से 3 दिन 4 दिन पहले कि 72 घंटे के भीतर 750 नए आईसीयू बेड केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। और हमने आश्वासन दिया था कि हम इतने इतने बेड 200 यहाँ पर, 400 यहाँ पर, 600 यहाँ पर बढ़ा देंगे आईसीयू के। वो 750 बेड अभी तक नहीं आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि समय जी छोटा सा जवाब फिर मैं आ रही हूँ अखिलेश जी बस एक और आज मुझे अगर केंद्र सरकार से कोई परेशानी भी है ना अंजना जी, मुझे तो मैं आपके चैनल पे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लड़ाई का समय है, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं करना चाहिए। देखिए 131 लोगों की जान गई है, मतलब रोज जैसे 100 के आसपास के आंकड़ों से लोगों की मृत्यु हो रही है, वैसे में ये कहना कि गुजरात में भी तो हो रहा है, मैं बोलूंगा तो नहीं मगर गुजरात में भी हो रहा है, आप केरल की भी स्थिति देख लो, मुझे लगता है ये एक परिपक्व बयान नहीं होगा। जिन लोगों की मृत्यु हुई है आप उनसे पूछिए। देखिए सरकार क्या कर रही है मैं इसका तो बताऊंगा, मगर मैंने आपको कहा कि कोई पहली बार हाईकोर्ट ने नहीं कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 12 जून 2020 को। हॉरेंडस, हॉरिबल एंड पैथेटिक सिचुएशन इन दिल्ली। Is Delhi NCT trying to take fake the real figures? Patients are crying in pain and there is nobody to attend. Beds will go vacant if this is how patients are treated in your hospitals. Why was the testing done? Why was the testing gone down in Delhi while it is gone up in other states? ये तो कुछ सुप्रीम कोर्ट टेस्टिंग बढ़ा दिया गया। हमें कोर्ट के बात तो ठीक है, अब टेस्टिंग बढ़ा दी गई। कंक्लूड कीजिए सब। अंजना जी अंजना जी जहां तक आपने अमित शाह जी की बात की, देखिए पिछली बार भी याद करिए जब इस प्रकार खराब स्थिति हो गई थी, अमित भाई शाह जी ने इंटरवीन किया था, वो खुद हॉस्पिटलों में गए, बल्कि वो खुद कोविड से इन्फेक्टेड भी हो गए इस पूरे विषय को मॉनिटर करते हुए, मगर उसके बाद कंट्रोल में स्थिति आई थी। अब फिर 3 दिन पहले अमित जी ने एक ऑल पार्टी बैठक बुलाई, अमित जी ने पूरा विषय अपने हाथ में लिया है और जो मेजर्स है मेरे सामने है, मैं अगली बार जब आप बोलेंगे तो ये सारे मेजर्स मैं आपको बताऊंगा और दिल्ली की जनता को आश्वासित करना चाहूंगा, आप विश्वास रखिए अमित शाह जी इसको कंट्रोल कर लेंगे। अखिलेश अमित जी पर कह दूं एक बात, पॉलिटिक्स अभी अभी टाइम है सर, 1 घंटे का है राघव चड्ढा, प्लीज अखिलेश जी कहां पर चूक हुई? अंजना जी देखिए पहले पॉजिटिव नोट में हम बात रखना चाहते हैं, हम आप सारे लोग, सारे पैनलिस्ट और सारे एक्सपर्ट भी बार बार कहते हैं कि मास्क लगाना चाहिए, जरूरी है, ये फैक्ट है, लेकिन हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि आंख नाक और मुंह में जो भी चीज, चाहे कोई उंगली हो, हाथ हो या पदार्थ हो, हम जब जाते हैं लगाते हैं तो बिना हाथ को धुले, हम इसलिए बता रहे हैं कि इसका भी हमें लोगों को अवेयर करते रहना चाहिए, सिर्फ मास्क के साथ साथ इसे भी, कोई चीज रखी है उसको हम टच कर लेते हैं बिना हाथ धुले, आंखों में उंगली डाल देते हैं, मुंह में डाल देते हैं, वहां पे जो इसको टच करते हैं वहां हो सकता है कोरोना वायरस रहा पड़ा हो, या जो सामग्री हम बाहर से लाते हैं, खाद्यान्न लाते हैं, खाने की चीजें मंगाते हैं, ये सब चीजों, तो हमें इन सब चीजों से भी लोगों को जागरूक करना, क्योंकि जागरूकता ही सबसे पहला और सबसे अंतिम बचाव है, हो जाने के बाद तो डॉक्टरों के ऊपर सारी चीजें हैं। दूसरी बात, एक बात भी तय है कि जिसके पास सरकार है, जो सत्ता में बैठा है, चाहे जिसकी जो सरकार, जनता है जवाबदेही तो जनता उन्हीं से चाहती है, ये भी कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि शुरू में ये दोनों भाई जो हमारे मोदी जी और छोटे भाई केजरीवाल जी, इन लोगों ने जितनी गंभीरता से इसको लेना चाहिए उतनी गंभीरता से नहीं, मजाक उड़ाया, एक्सपर्टों का मजाक उड़ाया, पॉलिटिशियनों का मजाक उड़ाया, और यहाँ तक कि बीजेपी की तो तमाम नेताओं ने यहाँ तक कहा कि गोबर से नहाओ, शंख बजाओ, पापड़ खाओ, मंत्र पढ़ो, मतलब उसकी गंभीरता को हल्केपन में ला करके और ये दिखाने का प्रयास किया कि ये कुछ है नहीं, तो ये सब, और जब शुरू में हुआ था उस वक्त भी ये सब किया गया, और अपने एक्सपर्ट बन जाना, बता देना कि हम 21 दिन में जीत लेंगे, जब हाथ से सारी चीजें निकल गई तो जनता के ऊपर कर दिया कि अब आप आत्मनिर्भर हैं कोरोना से लड़ने के लिए, तो ये सारी बातें अतीत की हो गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।